तो चलिए बढ़ते हैं आगे और विस्तार पूर्वक नजर डालेंगे खबरों पर। आपको बता दें कि गेर से सतरंगी आसमान होने वाला है कलाकारों के साथ सीएम शिवराज, बीजेपी ने समन्वयक की नियुक्ति की, ये सभी जो खबरें हैं आगे विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। आज मध्य प्रदेश में रंगपंचमी की रौनक है, इंदौर समेत प्रदेश के अन्य शहरों में गेर निकाले जाने की तैयारी है। इंदौर के गेर में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, रंगों में सतरंगी होगा आसमान रंगों से, और इंदौर में करीब 3 लाख लोग गेर में शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की होली के बाद रंगपंचमी के अवसर पर निकलने वाली परंपरा गेर को इस साल 72 साल पूरे हो गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी ये गेर रंगपंचमी के अवसर पर इंदौर के गलियों में घूमेगी और इंदौर से होते हुए आगे ये गेर संपन्न होगी। इसके लिए सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जो कि शाम 4 बजे तक होगा। और बता दें कि इंदौर के अलग अलग संगठन अपने अपने ग्रुप के साथ ही गेर में शामिल होते हैं। इस दौरान 4 पहिया वाहनों में रंग रखा जाता है और अलग अलग पिचकारियों से रंगों के फुहार उड़ाई जाती है, और इसके लिए हाथ से बनी मशीनों का इस्तेमाल भी किया जाता है। इंदौर की गेर में हर साल 2 से 3 लाख लोग शामिल होते हैं। मुख्य रूप से हिंद रक्षक संस्था सृजन जैसे संगठन यहां संचालित करने का काम करते हैं, और ये सभी संगठन अपनी अपनी गेर लेकर चलते हैं, रंग गुलाल उड़ाते हैं और राजवाड़ा महल पहुंचते हैं, जहां से गेर नरसिंह बाजार और कपड़ा मार्केट से होते हुए वापस टोरी कॉर्नर पहुंचती है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या तैयारियां हैं आज गेर की? देखिए, सबसे पहले मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि हर इंदौरी इसका बेसब्री से इंतजार करता है आज के दिन का, और वो आज की सुबह हो चुकी है। अब लोग धीरे धीरे घरों से बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं, और जैसे कि इंदौर की शुरुआत होती है इंदौरी पोहे और जलेबी से, आज इंदौर के लोग वहीं से शुरुआत करने वाले हैं। और क्योंकि सीधा इंदौरी लोग पोहे जलेबी के बाद सीधा राजवाड़ा पहुंचेंगे, 8:30-9 बजे तक इंदौर में लाखों लोग राजवाड़ा पहुंच जाते हैं। प्रशासन का दावा है, कल रात वो कलेक्टर पहुंचे थे, उनका कहना है कि अभी तक माना जा रहा था कि 3 लाख लोग तक लोग आ सकते हैं, लेकिन जो एक एप्लीकेशन जो प्रशासन की तरफ से जारी किया गया था उसमें जैसा क्रेज नजर आया तो ये माना जा रहा है ये संख्या 5 लाख से ज्यादा हो सकती है। यानी आज के गेर में 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल होने की प्रशासन की तरफ से अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 लाख लोग शामिल होंगे। दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, लंदन, यूके, यूएस, तमाम अलग अलग जो एनआरआई हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, वो भी इंदौर पहुंच चुके हैं इस गेर को देखने के लिए। और इस बार थोड़ी सी मायूसी इंदौर के लोगों के लिए रहेगी, क्योंकि जो टोरी कॉर्नर है, जो इंदौर की पहचान है, वहां से निकलने वाली जो गेर है, टोरी कॉर्नर से जो गेर निकलती है शेखर गिरी महाराज की, वो इस बार नहीं निकलेगी, क्योंकि उनके जो बड़े भाई हैं उनका निधन हो गया था, इसलिए वो जो गेर है उस गेर को निरस्त कर दिया गया था। लेकिन दूसरी जो गेर है वो समय पे निकलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 10:30 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, सीधा वहां से भगवान बद्रीनारायण मंदिर पहुंचकर आरती में शामिल होंगे। उसके बाद अलग अलग जो गेर है उसमें भी शामिल होने वाले, उनके लिए खास रथ बनाया गया है जिसमें करीब 1.5 घंटे इंदौर की गेर का आनंद लेने वाले हैं। इंदौरियों के साथ में वो गेर का जो रंगपंचमी का उत्सव है वो मनाने वाले हैं। इंदौर में बड़ा क्रेज रहता है आज के दिन, अलग अलग जो रथ होते हैं उसमें से मिसाइल के साथ में ये गेर निकलती है, 300 फीट तक पिचकारी से रंग फेंका जाता है। और सब यकीन मानिए, ऐसा त्यौहार, ऐसा उत्सव पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है जहां महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग इस उत्सव में शामिल होते हैं। किसी को किसी से कोई परहेज नहीं होता है, अनुशासन का ख्याल रखा जाता है, और इस बात का इस बार हमें बेहतर ख्याल रखना है, क्योंकि यूनेस्को के मापदंड पर इंदौर खरा उतरने वाला है। अगले साल यूनेस्को की टीम आने वाली है, उसके पहले प्रशासन ने प्री बोर्ड एग्जाम की तरह तैयारियां की, कहीं कोई खामियां ना रह जाए, क्योंकि अगली बार यूनेस्को आएगा, इसे हमें सांस्कृतिक धरोहर में इंदौर की गेर को शामिल कराना है। आपने दुनिया का जिक्र किया, आपने दुनिया का जिक्र किया मिथिलेश, दुनिया भर में इस तरह के जो त्योहार या इस तरह की गैदरिंग रेनू बहुत कम जगह पर होती है, जिसमें से इंदौर जो हमारा शहर है, चूंकि मिथिलेश वहां पर हैं और काफी समय से रंगपंचमी भी वहां देख रहे हैं, और हम अपने न्यूज 18 के माध्यम से लोगों तक ये तस्वीरें भी पहुंचाते रहते हैं। स्पेन में टोमाटिनो फेस्टिवल होता है, उसे बोलते हैं कि दुनिया में इस तरह का फेस्टिवल कहीं नहीं होता, शायद उन लोगों को इस गेर के बारे में जानकारी नहीं है। अब यूनेस्को की टीम आएगी तो संभव है ये फिर पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखेगा।
बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए इंदौर जो है लगातार इसके लिए प्रयास भी कर रहा है, क्योंकि जिस दिन यूनेस्को में इंदौर के गेट शामिल हो जाएगी, दुनिया भर से लोग जो विदेशी है, टूरिस्ट, वो यहां पर आएंगे, इस गेट में शामिल होंगे, इस गेट के बारे में लोगों को पता चलेगा ये कितना बड़ा उत्सव है। और यकीन, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो कोई सोच नहीं सकता है, क्योंकि एक कड़ाव लगाया जाता था, एक लोटे से कलर फेंका जाता था, ठेले पे लोग रखकर रंग निकल जाते थे सड़कों पर, ये वहां से शुरुआत हुई है। ये 75 साल हो चुके इस परंपरा को, और इस परंपरा को इंदौर ने सजोए रखा है। यही इंदौर की पहचान है, यही इंदौर की धरोहर है, यही इंदौर की विरासत है। और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि इंदौर एक नया दौर है, लेकिन अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को अपने साथ समेटे हुए वो आगे दौड़ रहा है। मेट्रो की रफ्तार से इंदौर आगे चल रहा है, लेकिन वो अपनी विरासत और संस्कृति उसको साथ में लेकर चल रहा है। तो एक नया दौर है, और नए दौर की तस्वीर बेहद खूबसूरत रहती है। जब आसमान देखेंगे और ये खूबसूरती देखना चाहेंगे, मिथिलेश शर्मा आपके कैमरे की नजर से अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें भी आगे पहुंचाना चाहेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन फिर आपके पास लौटेंगे। और चलिए, रंगपंचमी होने के चलते उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में सुबह भस्म आरती हुई, उसमें मंदिर समिति की ओर से एक लोटा केसरिया रंग दिया गया था, जो भगवान को अर्पित किया गया। पहले 2200 श्रद्धालुओं को भस्म आरती में जाने की अनुमति दी जाती थी, अब उसे घटाकर आधा कर दिया गया, यानी 1100 के आसपास अब श्रद्धालु इस भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे। और मंदिर में मंदिर समिति संख्या में श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया गया। और बता दें कि 25 मार्च को होली वाले ही दिन महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान गुलाल की वजह से आग लग गई थी, जिसकी वजह से 14 लोग झुलस गए थे, और इसके बाद जांच समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की। और इसके बाद यहाँ समिति ने संख्या में भक्तों को प्रवेश दिया जा रहा है। रंग पंचमी पर महाकालेश्वर में भस्म आरती, और आपको बता दें इसके लिए कुछ अलग गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जहां पर 2200 की जगह अब सिर्फ 1100 लोग, यानी कि आधे कर दिए गए हैं भक्त जो कि इसमें शामिल हैं। और चलिए सिद्धू करेंगे संवाददाता अजय पटवा जुड़ गया। अजय, रंग पंचमी है और कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, नए तरीके से यहां पर पूरा परिवर्तन किया गया है, विस्तार से बताएं। जी देखिए, 25 मार्च को होली वाले दिन जब भगवान महाकाल की भस्म आरती हो रही थी, उसी दौरान गुलाल भारी मात्रा में उड़ रहा था, और जिसके कारण जो है एक आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें पंडित पुजारी सही सेवादार झुलस गए थे और उन सभी का उपचार किया जा रहा था। वहीं इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री और अमित शाह इन सब ने इंटरफेयर किया, और इसके बाद इस पूरे मामले की जाँच की गई, जिसमें मंदिर समिति के जो प्रशासक थे संदीप सोनी, उन पर गाज गिरी है। इसी के साथ और लोगों पर भी जो कार्रवाई होना है, इसी को लेकर जो आज रंग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है, क्योंकि बड़े स्तर पर मनाया जाता था यहाँ पर होली का पर्व के साथ साथ रंग पंचमी का पर्व भी महाकाल मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता था। पर इस बार रंग पंचमी का रंग थोड़ा फीका देखने को मिला, क्योंकि श्रद्धालु जो आए थे वो भगवान महाकाल के साथ होली नहीं खेल पाए, क्योंकि इस बार जो हादसा हुआ है उसके बाद प्रशासन सख्त हुआ है, और उसके बाद जो है प्रशासन ने एक लोटा केसरिया जल दिया था, जिसको भगवान को अर्पित किया गया है। इसके अलावा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की पूरी सख्ती से चेकिंग की गई है, अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का रंग मंदिर परिसर में नहीं लाने दिया गया है, इसमें सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को जो है प्रवेश दिया गया है। इसी के साथ जो आम श्रद्धालु थे जो भस्म आरती के लिए तरसते थे, उनको जो है चलायमान भस्म आरती में दर्शन की व्यवस्था दी गई। इसी को देखते हुए महाकाल मंदिर में आने वाले समय में और भी कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो हादसा हुआ है, मंदिर समिति चाहती है कि अगली बार ऐसी घटना दोबारा ना हो, और इसी के साथ जो है श्रद्धालु जो आते हैं उनको अच्छे से दर्शन हो, इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन अजय, आज का जो दिन है वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और महाकाल मंदिर में दर्शन करके लोग यूं भी धन्य हो जाते हैं, और आज के दिन की विशेष महत्वता रहती है। नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और दुनिया भर में होली का पर्व जहां पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है, वहीं होली के बाद इंदौर की रंग पंचमी और गेर ये अब दुनिया में प्रसिद्ध होने वाला है। बीते 75 सालों से निकाली जा रही गेर इस वर्ष भी अपने पूरे हर्षोल्लास और गरिमा पूरे तरीके से निकाली जाएगी। बता दें कि गेर को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग इंदौर पहुंच रहे हैं, जहां महाराष्ट्र से इंदौर की गेर देखने आए डॉक्टर और इंजीनियर से बात की हमारे सहयोगी मिथिलेश कुमार गुप्ता ने। गेर यानी दुनिया का सबसे बड़ा रंगों का उत्सव, रंग पंचमी का त्यौहार देखना है तो इंदौर आए। रंग पंचमी का जब भी जिक्र किया जाता है तो इंदौर का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि इंदौर जैसी रंग पंचमी कहीं नहीं मनाई जाती है। फिलहाल इस वक्त मैं राजवाड़ा पे मौजूद हूँ, और राजवाड़ा से कुछ खास तस्वीर भी आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले होलकर रियासत की पहचान, होलकर रियासत का शौर्य,
ये आपको तस्वीर में नजर आएगा, राजवाड़ा, ये हमारी धरोहर है। और इसे पूरी तरीके से आप तस्वीर में देख रहे हैं कि एक पन्नी बड़ी साइज की जो पॉलिथीन है, तिरपाल है इसे कहा जाता है, उससे पूरी तरीके से इस पूरे राजवाड़ा को कवर कर दिया गया है कि जो हमारी धरोहर है, जो हमारी हेरिटेज है, वो उसे कोई नुकसान नहीं हो। इसके ठीक पास में गोपाल मंदिर है, गोपाल मंदिर को भी पूरी तरीके से ढक दिया गया कि कल जब रंग पंचमी का बड़ा उत्सव मनाया जाएगा तो धरोहर को, यानी जो हमारी हेरिटेज है, उसे नुकसान ना हो। यहाँ का दही बड़ा, यहाँ का भुट्टे का कीस, जो यहाँ की स्पेशलिटी है, उससे हम उनका बिल्कुल भरपूर स्वागत करेंगे। उनको बहुत मजा आएगा घेर देखने में। ये रंग पंचमी जो है यही इंदौर में स्पेशली बनती है और कहीं नहीं। जो स्पेशल यहाँ की पहचान है, हम चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा आए, ज्यादा से ज्यादा आनंद ले और देखे कि हम लोग किस भारतीय लोग कैसे संस्कृति से चिपके हुए हैं और किस तरह से आज भी अपने संस्कारों और अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति को सजोए रखे। हम औरंगाबाद मतलब छत्रपति संभाजी नगर से आए, महाराष्ट्र से, इंदौर की होली देखने के लिए। बहुत सुना था इसलिए आए। तो कल एंजॉय करने वाले हैं आप लोग? हाँ, इसलिए आज हम दर्शन भी लेके आएंगे उज्जैन महाकाल के। हाँ। फिर यहाँ पे पहले बाबा के दर्शन फिर होली। यस यस यस, दर्शन पहले। तो यहाँ की कुछ खास तस्वीरें भी लेकर जाएंगे अपने साथ? हाँ, फिर हम 3 दिन रुकने वाले हैं सिर्फ होली देखने के लिए। हमारे शहर में बाहर के पर्यटक इसकी फाग यात्रा देखने आने वाले। देखिए, हम सब तैयार हैं, हम इस इंदौर नगरी में उन सबका स्वागत करते हैं। और नहीं स्वागत, जबकि हम सारा जो हमारा यहाँ का खान पान है, लाइक पोहा, जलेबी, यहाँ की जो भी स्वादिष्ट चीज़ें हैं, उनके लिए भी उन लोगों को, उनसे उन लोगों को खाने के लिए, उन लोगों को दे के उनका वेलकम एंड स्वागत करते हैं यहाँ पे, ताकि वो आए और इस चीज़ों का एंजॉय करें और देखें कि भारतीय लोग कैसे त्योहारों को एंजॉय करते हैं, मनाते हैं एक साथ घुल मिल के। यूनेस्को में शामिल करने के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लगभग 3 घंटे यहां पर मौजूद रहेंगे और करीब लाखों लोग, हर साल संख्या बढ़ती जा रही है, लाखों लोग एक साथ एक बड़ा जश्न करने के लिए तैयार है। तो गेर की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, न्यूज 18 मौके में मौजूद है और गेर से जुड़ी एक एक बड़ी जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जले साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। इंदौर के तर्ज पर संस्कारधानी जबलपुर में भी रंग पंचमी मनाई गई और इस दौरान शहर के प्रमुख मार्गों से समरंग यात्रा निकाली गई और समरसता सेवा संगठन की ओर से निकाली गई समरंग की अगुवाई साधु संतों ने की। यात्रा में 20 से ज्यादा झांकियां शामिल रही। यात्रा का जगह जगह फूलों, रंगों और गुलाल से स्वागत हुआ।